गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड, जिसे रिमूविंग वन वेरिएबल भी मेथड भी कहा जाता है। ओके, इस मेथड को हम एग्जांपल के थ्रू आउट समझेंगे। यहां पर हमें दो इक्वेशन गिवन है, x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4। अब इस मेथड में हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा बच्चों, आपको रैंडमली कोई भी एक वेरिएबल चूज करना है, x या फिर y। माना हम लोग यहाँ पर x वेरिएबल से चूज करते हैं, तो अभी क्या करना होगा कि दोनों जो इक्वेशन है उसमें x का जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है ना सेम होनी चाहिए। माना यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, यहाँ पर 5x है तो यहाँ पर भी 5x होना चाहिए। ओके, तो हमें इस इक्वेशन में देखो x के जो कोएफिशिएंट है 2x है, तो यहाँ पर भी हमें 2x लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे हम, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ओके, देखिए अब इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ओके, अभी ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। आप देख सकते हैं इक्वेशन 2 और 3 में अभी जो x का कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है सेम है। ओके, हमें इसे अभी एलिमिनेशन करना होगा तो ऑपोजिट होना चाहिए, वो ऑपोजिट हम सम या सबट्रैक्ट दोनों की हेल्प से कर सकते हैं। यहां पर हम इक्वेशन 3 में से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन थी वो चेंज हो जाएगी, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस, ये रिमूव हो जाएगी, प्लस 2y प्लस 3y ये रिमूव हो जाएगी, अभी प्लस 2y प्लस 3y प्लस 5y हो जाएंगे। 10 में से 4 सबट्रैक्ट करेंगे तो 6 बचेगा। ओके, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां पर 5 है वो मल्टीप्लिकेशन में, इज इक्वल टू के दूसरी ओर जाएंगे तो डिवीजन में चले जाएंगे, तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 6/5। ओके, अभी हम इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे और इसकी हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां पर बच्चों मैं इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू पुट करता हूं, तो x एज इट इज और y की जगह पर 6/5 और यहां पर है 5 प्लस 6/5 इज इक्वल टू की दूसरी ओर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, अभी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, 1 होगा। और इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम, इस तरह से 5 से मल्टीप्लिकेशन करेगा तो 25 हो जाएगा, 1 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 हो जाएगा, और 1 × 5 = 5। 25 में से 6 आप सबट्रैक्ट करेंगे तो 19 बचेंगे और डिनोमिनेटर में 5। ओके, ये हमारी x और y की वैल्यू आ गई। अगर आपको एग्जाम में चेक करना है कि आपकी आपका जो आंसर है वो राइट है या रॉन्ग, तो आप किसी भी एक इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। मानो x की जगह पर 19/5 प्लस y की जगह पर 6/5, तो 19 और 6 हो जाएगा 25/5, तो 5 × 25, तो दोनों से आंसर है वो आपका सेम आएगा, आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इसी मेथड का हम एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं हमें इक्वेशन गिवन नहीं है तो हमें इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। ओके, 5 इयर्स अगो नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 इयर्स लेट नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। हमें रैंडमली दोनों की जो एज है वो फाइंड करनी है, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर दिया कि सपोज दैट नूरी की जो एज है वो एक्स ईयर है और सोनू की एज इज वाई ईयर है। ओके, अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिखेंगे, यहाँ पर अब वो लिखा है ना इसलिए हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे, कितना है थ्राइस, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3y
माइनस 15 प्लस 3 बाय n इज इक्वल टू दूसरी ओर हो जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे और माइनस 5 इज इक्वल टू दूसरी ओर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। ओके माइनस 15 प्लस 5 क्या हो जाएंगे माइनस 10। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे 10 इयर्स लेट, 10 इयर्स लेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से x प्लस 10 एंड y प्लस 10 वो कितना है ट्वाइस है तो 2 यहां पर। ओके तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, 2y इज इक्वल टू दूसरी ओर जाए आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 उस ओर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी इन इक्वेशनों को हमें सॉल्व करना होगा। देखिए बच्चों इन इक्वेशन में x की जो कोई भी एक वेरिएबल चूज करना होगा, क्योंकि x की जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो सेम है, तो हम इजीली इक्वेशन 1 को 2 से सबट्रैक्ट कर दें तो इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे इक्वेशन 1 में से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो माइनस 3y ये तो रिमूव हो जाएगा पूरा, माइनस 3y प्लस 2y इसलिए माइनस 5 बचेगा, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20 बचेगा, दोनों ओर से माइनस माइनस से वो निकल जाएगा, y की वैल्यू आएगी हमारी 20। ओके क्वेश्चन 1 या 2 में से किसी भी एक क्वेश्चन y की वैल्यू पुट करेंगे, मानो के 1 में पुट करेंगे तो x एज इट इज और y कितना है 20, तो 20 इंटू 3 60 हो जाएगा और इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस 60 इज इक्वल टू दूसरी ओर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, नूरी की जो एज होगी वो 15 इयर्स होगी और जो सोनू की एज होगी वो 20।